दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग भारतीय नागरिकता कानून के विविध जो उनके प्रावधान हैं वो हम सीख रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक तीन कैटेगरी की जो भारतीय नागरिकता जैसे मिल सकती है वो हमने सीखे। अभी हम सीख रहे हैं बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन जो आजकल बहुत चला है। वो 2003 में ये कानून आया। अभी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान या बांग्लादेश, पाकिस्तान अपोज कर रहा है, बांग्लादेश ने तो बोला है प्रेस स्टेटमेंट देके, हालांकि वो लोग चिंतित है कि इतने सारे लोग हमारे भारत में रह रहे हैं और वो वापस बांग्लादेश आएंगे तो उनको भी तो अकोमोडेट करना है, तो वो देश भी चिंतित है। पर ये उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वो हमारे नागरिक है और हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उनको बांग्लादेश की नागरिकता देंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमने उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपोज किया है हमारे एनआरसी को। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी एनआरसी है और बांग्लादेश में भी एनआरसी है। हर एक देश खुद की स्वायत्तता और अखंडता और खुद की एक कल्चरल स्टेबिलिटी के लिए ये एनआरसी करता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी है, वो बांग्लादेश में एनआरआईसी है और पाकिस्तान में NARDA है। हम उसकी ये जो डेटा है वो इंडिया से एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ब्लॉक्ड है हमारा एक्सेस, उनकी ऑफिशियल डेटा हम चेक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन क्या है, तो यूजुअली सेंसस आता है और हमारा सब डिटेल लेके जाता है, तो वो एक्चुअली रजिस्टर हो जाता है मगर वो फाइनलिटी नहीं है, वो भी चैलेंज हो सकती है। मगर हमने जैसे बोला बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन। ओरिजिनली ये जो रजिस्ट्रेशन का आया 2003 में, और हमने वो वीडियोस भी देखी है जो आजकल बहुत सोशल मीडिया में घूम रही है। अब तक तो हमें पता भी नहीं था कि 2003 में ऐसा कुछ अमेंडमेंट भी आया है। ये सडनली आउट ऑफ द प्रपोर्शन ये ब्लो हो गया और आग जनी और इतने दंगे हुए, तब पता चला कि ऐसा कोई रजिस्टर भी है। तब तक तो हम सुख और चैन से रह रहे थे, तो ये कोई रजिस्टर क्या है, मतलब कि आप रजिस्टर में नाम नहीं है तो क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया, आपके कोई भी हक छीने नहीं जाएंगे, हाँ मगर आप इलीगल इमिग्रेंट हो तो आप तकलीफ में तो जरूर हो, इलीगल माइग्रेंट्स को तो जाना ही है। पर जो भारतीय नागरिक है, वो भारतीय नागरिक कोई भी धर्म का हो, वो भारतीय नागरिक है। तो ये आया 2003 में, ये आसाम से शुरू हुआ। हमने देखा कि आसाम में बड़े दंगे हो रहे थे, वहां पर बांग्लादेशी से माइग्रेंट आ रहे थे, हिंदू जो पॉपुलेशन था वो लोकल आसामीज जो थे वो माइनॉरिटी में आ गए थे, उन लोगों का कल्चरल एग्जिस्टेंस का सवाल था और वहां पर बहुत एजिटेशन हुआ था। तो तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने असम एकॉर्ड किया और उसके ऊपर से ये एनआरसी का जन्म हुआ है। 1983 में ये इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ, तब हमारे प्रधानमंत्री 83 में शायद इंदिरा जी थी या तो राजीव जी थे, मुझे पता नहीं है, मगर 1983 और 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई, तो इंदिरा जी थे शायद, मैं ये समझू। और इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ और पार्लियामेंट ने एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाई और
आसाम में जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस 1983 से शुरू हुई. फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरा ये जो ट्रिब्यूनल का जो एक्ट था वो ट्रिब्यूनल का एक्ट स्ट्रक डाउन हुआ 2005 में. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआरसी जो है आसाम में अपडेट करने का अग्री किया. ये भी 2005 के आसपास ही हुआ. और फिर सेटिस्फेक्शन नहीं था, जैसे हमारे काम नहीं चल रहा था बराबर, तो कई लोग कोर्ट में गए, पीआईएल्स फाइल हुई. और 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग प्रोसेस चालू किया, जिसमें वो आसाम के जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनका पूरा रजिस्टर बनाया, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए और पूरा जो पॉपुलेशन था उसको सेग्रीगेट किया. इसके बाद 2019 में अब कानून आया है. ये जो आसाम का एनआरसी है वो पब्लिश हो चुका है और वो 31 अगस्त 2019 को पब्लिश हुआ है. और ये जो नया कानून आया ये उसके बाद आया है. ये जो कानून है वो एक्ट नंबर 47 ऑफ 2019 है और वो उसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. ये कहीं पर भी कोई भी धर्म के जो अभी भारतीय है उनका कोई नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान इसमें दिखता नहीं है और है भी नहीं, है ही नहीं, दिखता नहीं है, नहीं है ही नहीं. और ये क्या बोलता है, ये जो अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एक कट ऑफ डेट दिया है 31 दिसंबर 2014. 31 दिसंबर 2014 तक जो कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से भारतीय सरहद पार करके यहाँ पर आए हैं और शरण लिया है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है. और ये पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 के तहत इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी. और फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 और कोई भी एक कानून है उसके अंदर इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी और इन लोगों को इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा. क्योंकि इलीगल माइग्रेंट होते हैं तो काफी उनको डिटेंशन सेंटर में डालते हैं और फिर कानूनी कार्रवाई चलती है, तो वो सब कानूनी कार्रवाई बंद हो जाएगी. इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट कवर्ड नहीं है, वो लोगों को जो इनर लाइन है वो चालू रह रही है. और इतने ही बात है, ये आसाम में लागू की गई है. और जो एनआरसी है, जैसे मैंने बोला, वो सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर ये जो एनआरसी आसाम में थी वो कंप्लीट हो चुकी है और वो पब्लिश भी हो गई है 31 अगस्त 2019 को. तो ये 1983 से जो मामला शुरू हुआ वो 31 अगस्त 2019 को खत्म हुआ है. तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, हम कैसे ले सकते हैं, तो ये इसके अंदर प्रावधान है कि आपको एक एप्लीकेशन करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में और आप कानूनी तरीके से यहाँ पर आए हो, कोई वीजा लेके आए हो, मगर आप इलीगल माइग्रेंट हो तो आपकी एप्लीकेशन ली नहीं जाएगी. बहुत क्लियर प्रावधान है, वो आज का नहीं है, 1955 से है. और सॉरी, ये है 2004 से है और ये एक्ट नंबर 6 2004 में ये लागू किया गया है. और वो क्या बोलता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who are ordinarily resident in India, 7 साल तक आप इंडिया के निवासी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. और आप सपोज आप अब्रॉड गए हो, यूएसए गए हो, यूके गए हो और आपने वहां का पासपोर्ट ले लिया है,
तो आप मगर ओरिजिनली इंडिया के हो तो आप इधर रजिस्टर कर सकते हो। आपने एप्लीकेशन करना चाहिए और एप्लीकेशन के किया वो उसके पहले आप 7 साल तक इधर रहे हो, फिर आप इंडियन ओरिजिन के हो और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो आप कहीं पर भी अनडिवाइडेड इंडिया इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे हो। तो तीसरा है कि आपकी शादी हो चुकी है जो इंडियन सिटीजन है और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो 7 साल तक इंडिया में रहे हैं, उनके साथ आपकी शादी हो चुकी है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इन लोगों के ऑन बिहाफ भी उनके गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन है, नेचुरल पेरेंट्स है, वो लोग भी कर सकते हैं। जो फुल एज मेजर है वो भी कर सकते हैं, और पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वॉज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड हैज बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 1 साल पहले उनके माता पिता रहे हैं यहाँ पर, तो उनके माता पिता को भी मिल सकती है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स एंड OCI है, 5 साल 5 साल तक OCI रहे हैं एंड 1 साल से वो भारत देश में रह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो पहले ये 1 साल की जगह पर 2 साल थे वो अभी 1 साल हो गया है। ये भी 2005 में आया, जो मैंने एक्ट नंबर 6 बोला, 2004 में आया, जो 2005 में आया और ये इफेक्ट हुआ 28/6/2005 से। और पेरेंट्स जो यहाँ का डेफिनेट वाज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का ये मतलब समझाया है कि वो पर्सन या उनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जन्म है तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर ओथ लेनी है, फिर सिटीजनशिप और हुज इंडियन सिटीजनशिप हैज टर्मिनेटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी रजिस्टर्ड एज अ इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बाय ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी नो पर्सन हु हैज रिनाउंस्ड, मतलब जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है और कोई और कारण से इनको सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गई है, वो एप्लीकेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके सिटीजन बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लगता है कि हाँ हम इनको भारतीय नागरिकता दे सकते हैं तो वो आपका नाम रजिस्टर करेंगे। अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन एज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज सो रजिस्टर्ड, जिस दिन से आपका नाम रजिस्टर हुआ उस दिन से आप भारतीय नागरिक कहलाओगे। और जो चौथा है वो नेचुरलाइजेशन का एक प्रोसेस है। आप इधर 14 साल रहे हो भारत में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल 14 साल रहे हो, और जब ये आप एप्लीकेशन करते हो उसके बराबर एक साल नॉट बीइंग एन इलीगल, हाँ अगेन आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, आप कानूनी तरीके से इंडिया में प्रवेश लिया है तो आपको मिल सकता है। आप 14 साल, पहले 12 साल था वो अभी 14 साल हो गया है, आप 14 साल चाहे कैसे भी 2 साल रहे फिर गए फिर 3 साल आए फिर गए, तो वो टोटल 14 साल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसको प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन बोलते हैं और आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी,
ये कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। मैं फिर से अपील करूंगी, आप समझिए। आपको अगर समझ नहीं आता है तो कोई अच्छे लॉयर से या अच्छे नेता से, आपके एमपी या एमएलए से बात कीजिए। आप सरकार को लिखिए, उनकी काफ़ी कुछ वेबसाइट है, वहां से आपको जवाब मिलेगा। आप किसी की मदद लीजिए, आप देश की संपत्ति को नुकसान मत कीजिए। मैं हूं श्रुति देसाई, आप मेरी वेबसाइट देख सकते हो www.shrutidesai.in पे। मैं खुद एक राइटर हूं और मैंने आज तक 22 बुक्स लिखी है, जो बार, बेंच, स्टूडेंट सब लोगों ने एक्सेप्ट की है, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड भी थी। तो मैं आपसे मैं अभी आप रजा लूंगी, तब तक के लिए हम मिलेंगे थोड़े ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय।